मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बुरे हाल हैं। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं एम्बुलेंस का टोटा है, और अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो उसका बिगड़ना तय रहता है। हाल ही में पन्ना से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक प्रसूता को ले जा रही एम्बुलेंस का बीच में ही डीजल खत्म हो गया और मजबूरी में महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। मध्य प्रदेश में मंत्री डॉक्टर प्रभुराम के भरोसे स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल हैं। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं एम्बुलेंस नहीं, कहीं एम्बुलेंस मरीज के पास पहुंच भी जाए तो अचानक कहीं भी उसका तेल खत्म हो जाता है। और इसी की बदहाली के चलते पन्ना जिले में एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई। अब स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा ऐसे लगाइए कि महिला को रात में सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। इस दौरान दूसरी महिलाओं ने इसमें सहायता की। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में खुद सरकार ने संजीवनी के कई डॉक्टरों को संजीवनी क्लिनिक देर से पहुंचने या न पहुंचने पर नोटिस जारी किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।